we are going to start the next topic, that is sequencing n jobs on 3 machines. So up till now we have done problems where we only have 2 machines, but now in this part we will have 3 machines. Okay, so how do you solve this question? So what we do in these questions is that we first reduce this to an n job on 2 machine problem. That is, instead of 3 machines, हमारे पास ऐसा कुछ बनाएंगे इसको कोई तो एक मेथड से जिसमें इसमें दो ही मशीन वाला प्रॉब्लम होगा एंड देन वी डिटरमाइन द सीक्वेंस. सो वी कन्वर्टेड इनटू अ टू मशीन जॉब. देन यूज हमारा जो पुराना मेथड था सीक्वेंस निकालने का, वही सेम मेथड यूज करके वी गेट द सीक्वेंस. आफ्टर दैट वंस द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड, वी गो बैक टू द ओरिजिनल 3 मशीन एंड वी प्रिपेयर द वर्क टेबल फॉर 3 मशीन्स. उसके बाद जो हम वर्क टेबल बनाते थे वो इन एंड आउट वाला, वो फिर हम 3 मशीन्स के लिए करते हैं. ठीक है, लेकिन फॉर रिड्यूसिंग दिस टू अ 2 मशीन थिंग देर इज अ कंडीशन दैट शुड बी मेट. ओके, सो आर कंडीशन इज दैट, सो यू विल हैव 3 मशीन्स हियर, राइट? सो यू विल हैव ए, बी एंड सी. उसमें लेट्स से सारे A1, A2, A3 ऐसे करके सब टाइम है, फिर यहाँ पे B1, B2, B3 करके सब टाइम है एंड यहाँ पे C1, C2 एंड C3 करके सब टाइम है. हमको क्या करना है, हमको पहले ये पूरा फर्स्ट रो, मतलब इन ऑल दी AIs, मुझे सबसे छोटा वैल्यू यानी सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना है एंड फिर हमको B वाले में से सबसे मैक्सिमम निकालना है एंड C वाले से वापस क्या करना है, सबसे मिनिमम. तो यहाँ पे मिनिमम, बीच वाले से मैक्सिमम एंड यहां से मिनिमम. ठीक है, ये 3 वैल्यू तुमको ढूंढने हैं. पहले सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है उसमें. अभी जो कंडीशन क्या है कि मिनिमम ऑफ AI, मतलब सारी AIs का मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ BIs. तो लेट्स से यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 है और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 2 है. ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो और मिनिमम ऑफ CI इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ BI. तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू होगा तो भी चलेगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं देन वी कैन चेंज दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ 3 मशीन टू अ 2 मशीन क्वेश्चन. ओके, so if any of them is true, if any of these conditions is true, then introduce 2 fictitious machines, say G and H, such that GI is equal to AI plus BI and HI is equal to BI plus CI. now fictitious मतलब क्या, something that is not real. तो we are making 2 हमारे तरफ से machines G and H. उसमें क्या करना है, इन दोनों को add करके सारे values हमको सारा G वाला row मिलेगा एंड सेकेंड और थर्ड को एड करके हमको पूरा एच का रो मिलेगा. ठीक है, तो हमारे पास फिर 2 मशीन हो जाएंगे एंड नाउ यू सॉल्व इट जैसे सेम पहले 2 वाला करते थे और सीक्वेंस निकालना है. उसके बाद वर्किंग टेबल सिमिलर वे में जैसे पहले निकालते थे अभी 3 मशीन के लिए निकालना है. ओके, चलो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज this where we have 7 jobs and we have 3 machines. Okay, now first thing what will we do, first row ka minimum. So minimum of A is equal to what, your minimum is 3. Maximum of B is equal to, sabse bada is 5 and maximum of C is equal to, नहीं सॉरी, मिनिमम ऑफ सी इज इक्वल टू 5, राइट? कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, पर ये इससे बड़ा या इक्वल है? यस. सो द सेकंड कंडीशन गेट सेटिस्फाई, सो यू कैन राइट मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. ओके, देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट this problem to a 2 machine problem okay let
G equal to A plus B and H is equal to B plus C. Okay, so we have two more machines now, G and H, and let's fill in the values. So G is A plus B, right? So we have to do 3 plus 4, 7, 8 plus 3, 11, 7 plus 2, 9, 4 plus 5, 9, 10, 12 and 10. Next, we have to do niche ka dono. So 4 plus 6, 10, next 10, 7, 16, 6, 10 and 15. Okay, now we have to make the sequence. So you'll again have to write down all those steps, but right now I'm not doing that, I'm directly writing down the sequence. Okay, so first what do we have to do? सबसे मिनिमम ढूंढना है इसमें से. सबसे मिनिमम कहाँ है? 6, राइट. वो सेकेंड मशीन में है, तो ये जो फिफ्थ जॉब है वो कहाँ होगा? सबसे लास्ट. आई होप ये याद है, हमने किया है ये जस्ट. ओके, अभी इसको कैंसिल कर दो. नेक्स्ट, सबसे मिनिमम क्या है? 7. दो जगह पे है, कोई भी एक चूज कर लो. तो अगर मैंने 3 चूज कर लिया पहले, तो ये 3 कहाँ होना चाहिए? सेकेंड मशीन पे है, तो ये 5 के पहले, और ये वाला 1 फर्स्ट मशीन पे है, तो सबसे फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम नाउ? इट इज 9. सो 9 इज ऑन द फर्स्ट मशीन, सो फोर्थ जॉब हैज टू हैपन आफ्टर 1. ओके, सो नाउ दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. नाउ द मिनिमम इज 10. सो नाउ वी हैव 10 इन 3 प्लेसेस, यू चूज एनीथिंग. ओके, so let's do one thing, let's choose this first. Anything is fine, okay, it will not make a difference. So if I choose this first, then this is on the first machine, so this will happen here. Okay, then next, in dono mein se again we have 10 only, so anything you can choose. So if I'll put this 2 first and then I can put 6. Okay, there are many other sequences, this is just one sequence. We can say the sequence is as follows. Okay, now we will start making the work table. So what I'll do is I'll write the sequence here first. So this is 1, 4, 7, 2, 6, 3 and 5. Okay, now let's start writing the in time and out time. अभी इसके लिए इसको भूल जाओ, ठीक है. हमने ये जो टू मशीन वाली चीज की है वो सिर्फ सीक्वेंस ऑब्टेन करने के लिए किया है, और कुछ नहीं है, ठीक है. अब हमको कौन सा टेबल रेफर करना है? ये वाला. फर्स्ट जॉब को मशीन ए पे कितना टाइम लगता है? मशीन ए पे 3. ओके, दिस इज आवर्स. सो यू स्टार्ट एट 0 एंड देन इट इज 3. ओके, नेक्स्ट दिस विल स्टार्ट एट 3. फोर्थ ऑन मशीन ए इज 4 आवर्स, सो 3 प्लस 4 इज 7. नेक्स्ट आई राइट 7 ओवर हियर. सेवेंथ जॉब ऑन मशीन ए इज 7 आवर्स, सो दिस बिकम्स 14. दिस इज 14. 2 इज 8 आवर्स, which will become 22. Next, 22 and 6th is 8, so this becomes 30. 30 pe third wala will start, which is 7, so 37. And 37 and 5th wala is 9, so that is 46. Okay, now next, machine B, this has to start at 3 only, it cannot start before that. 1 on machine B is 4, so this becomes 7. We have to select the maximum out of this, which is 7 only, because both of them are same. Next, 7 plus 5, I'm looking at the table, okay, given above. So that is 12, 14 and 12 mein. Machine B 12 hours pe khali ho raha hai, but job 7 is not completed before 14. So the maximum value is 14, we will write that here. 7 on B takes 3 hours. Okay, so that becomes 17. Next, 22 and 17, so we have to select maximum, which is 22.
Now second on machine B takes 3 hours, so this becomes 25. 25 and 30, we will have to select 30. Sixth on B takes 4 hours, so this becomes 34. We have to select 37. Third on machine B takes 2 hours, this becomes 39. This is 46. And fifth on machine B takes 1 hour, so this is 47. Okay, let's start for machine C. This starts at 7. Okay, machine C pe first job takes 6 hours, so this becomes 13. 12 and 13 mein we will have to choose 13. Now fourth on machine C takes 11 hours, so this becomes 24. We choose 24. Seventh on machine C takes 12 hours, which is 36. This becomes 36. Next, second on machine C takes 7 hours, which is 43. 34 and 43, maybe we will choose 43. Okay. Sixth on machine C takes 6 hours, which is 49. 39 and 49, maybe we will choose 49. Now, third on machine C takes 5 hours, so this is 54. And 54, fifth job on machine C takes 5 hours, so that is 59. Okay, so what is the total elapsed time? It is 59 hours. Okay, now we have to calculate the idle time for each machine. Okay, see, for machine A, it is easy. You don't have to add. It is just 46 tak it has worked continuously and 59 tak chal raha hai. Toh humko kya karna padega? Humko 59 minus 46 karna hai, which is equal to 13 hours. Baki dono ke liye, humko add karke subtract karna padega. Toh chalo, pehle upar add kar lete hai isko. Toh, 5, 1 plus 4, ye 10 ho jayega pura. 2 plus 3 15 हो गया, 15 plus 7 मतलब कितना हुआ 22. Next ये वाला 5 plus 5 10 हो गया, okay. 11 plus 12 कितना होगा 23 plus 7 तो 30 and ये 10 तो 40 हो गया. 40 plus 6 plus 6 which is 12, so 52. Okay, so now what do we have to do? We have to subtract. So B is 59 minus 22, which is 37 hours. And C ka idle time is 59 minus 52, which is 7 hours. Next question now. So we have again, we have 3 machines and we have to arrange these jobs. So again, first step is minimum of A, you find out, then you do maximum of B, and third is you do minimum of C. Okay? Chalo, minimum of A kya hai? It is 6, maximum of B is 6, and minimum of C is 4. So ye yahan pe ye wala satisfy ho raha hai. So this is minimum of A is greater than equal to maximum of B. Same statements likho jo maine pichle sum mein likha tha. And now we have two new machines, which is G is A plus B and H is B plus C. Okay. Now we have G and H. Let's add and put it together. Okay. So 8 plus 5 is 13. 10 plus 6, 16. 6 plus 2, 8. 10, 15, right? Chalo, next, 9, 15, 10, 9, 9. Okay? Chalo, abhi sequence banate hai. Toh isme sabse minimum number kaha hai? 8. 8 first machine pe hai. So, ye third first hona chahiye. Okay? Now, next. Toh isko cancel kar sakte hai. नेक्स्ट कौन सा सबसे मिनिमम है? 9. 9 तीन जगह पे है, सब लास्ट मशीन पे है,
किसी को भी पहले कर, मतलब लास्ट में कर सकते हैं। तो मैं 1 ले लेती हूँ, 1 को लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको ले लेते 4 को, तो वो भी लास्ट में, और फिर ये 5 को भी लास्ट में। ठीक है, कुछ भी लोगे चलेगा, बहुत सारे मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं ठीक है यहाँ पे तो। और फिर एंड में 2 को हमको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो अभी लेट्स अरेंज देम। सो वी हैव 3, 2, 5, 4 एंड 1। ओके लेट्स स्टार्ट सो विद द वर्क टेबल। सो वी स्टार्ट एट 0। नाउ 3 ऑन मशीन ए टेक्स 6 आवर्स। ओके हियर 3 ऑन मशीन ए टेक 6 आवर्स। सो 0 + 6 = 6। नेक्स्ट वी स्टार्ट 2 at 6। 2 ऑन मशीन ए टेक्स 10 आवर्स। सो दिस इज 16। एंड देन वेन वी पुट 5th जॉब ऑन मशीन ए इट टेक्स 11 आवर्स। सो 16 + 11 becomes 27। ओके नाउ वी स्टार्ट एट 27। द 4th जॉब ऑन मशीन ए टेक्स 7 आवर्स। सो दिस इज 34। ओके एंड फर्स्ट जॉब ऑन मशीन ए टेक्स 8, सो दैट इज 42। राइट नाउ नेक्स्ट बी टेक्स, यू टू स्टार्ट फ्रॉम 6। नाउ थर्ड ऑन बी इज 2, सो दिस इज 8। 16 एंड 8 में 16। नाउ नेक्स्ट 2 takes 6 hours, सो दैट इज 22। वी सिलेक्ट 27। 5 ऑन बी टेक्स 4 hours, विच इज 31। ये 34। 4 ऑन बी टेक्स 3 hours, विच इज 37। एंड नेक्स्ट 42। सो फर्स्ट जॉब ऑन बी टेक्स 5 hours, सो दिस बिकम्स 47। नाउ नेक्स्ट सी मशीन पे, सो वी हैव टू स्टार्ट विद 8। नाउ थर्ड जॉब ऑन मशीन सी टेक्स 8 hours, विच इज 16। नेक्स्ट 22 एंड 16 में आई विल चूज 22। सेकेंड जॉब ऑन मशीन सी टेक्स 9 hours, सो दिस इज 31। ये भी 31 ही है। ओके नाउ 5 ऑन मशीन सी टेक्स 5 hours, सो दिस इज 36। वी विल चूज 37। 4 ऑन मशीन सी टेक्स 6 hours, विच इज 43। 47 इज चोजन आउट ऑफ 43 एंड 47। नाउ फर्स्ट जॉब टेक्स 4 hours ऑन मशीन सी, देयरफॉर दिस बिकम्स 51। सो द टोटल इलैप्स टाइम इज 51 hours। नाउ मशीन ए के लिए क्या होगा, हमको बस 51 - 42 करना होगा। सो दिस इज 51 - 42, विच इज इक्वल टू 9 hours। ओके नेक्स्ट फॉर बी इट इज 51 - सब कुछ ऐड करना होगा तो ऊपर ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 2 + 3 = 5 + 5 = 10 हो गया, और ये भी 10 है तो ये कितना हो गया 20। और इसमें कैसे ऐड करेंगे, 6 + 4 वो हो गया 10, 10 और ये हो गया 17, 27, 27 + 5 = 32। सब्ट्रैक करते हैं, सो 51 - 20 विच इज इक्वल टू 31 hours। एंड वी हैव लास्टली 51 - 32 विच इज इक्वल टू, इसको 40 बनाने के लिए 8 और फिर 11, तो 19 hours। ओके सो दैट इज द आइडल टाइम एंड दिस इज द टोटल इलैप्स टाइम।